देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर हाशमी की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आपके सामने एक और शौक मौजूद है हमारे जाने माने रिजवान भाई। रिजवान भाई अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अभी देख रहा हूँ मैं, इसके अंदर कुछ नए कबूतर आपने मिलाए हैं, ज़रा ये बताइएगा किस हवाले से मिलाए हैं। हम मुझे सुनने में आया था कि एहसन भाई और आपका दोबारा शौक होने वाला है, इस तरह का कुछ? सही सही, सामने तो लड़ रहे हैं शाम के अंदर। ये बाजरा दोस्तों बना हुआ है, ये खुशबू आ रही है मुझे और ये तैयारी हो रही है सीज़न की। दसवां लगा हुआ है और इसके अंदर तकरीबन आधे से ज़्यादा, जैसे ये काला तोगा हो गया, एक वो वाला चिट्टा हो गया, ये जंगला हो गया खैरा, ये ठीक है जी, और एक देसी लालबंद होगा, ये कांगिया नीले बानों में कांगिया, ये कबूतर हो गया। काफ़ी सारे ये नए कबूतर हैं, नफ्ता भी है, चिट्टा भी है। हाँ ये नफ्ता भी है, ये जंगला है। हाँ ये वाला जंगला है, ये काफ़ी सारे नए कबूतर मिलाए हैं। अच्छा शिराजी भी मिला दिए, सही सही, ये कबूतर दोस्तों मिलाएं, ये देख लें, सीज़न की तैयारी हो रही है, बस यही महीना है। ये चांदना भी है ना मेरे ख्याल में, ये वाला पटेस चांदना, ये वाला ये वाला पपई भी मिला है। तो उनाबी है, एक ये वाला। हाँ मोखे उनाबी है, एक ये मोखे उनाबी हो गया, एक जलावस है ज़रा डार्क कलर में ना, और ये काला, काला मैंने दाक्षा, ये आ गया, ये रहा, ये कबूतर भी नया है। ये घाघरा नफ्ता, ये पुराना है। अच्छा दोस्तों मैं एक काला ममना दिखाता हूँ, जब ये आया था, ये आया, आ आ ये आया, ये जब आया था तो मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी कि जो है ना ये बहुत कड़क कबूतर है। इसने खुलने में कोई परेशानी तो नहीं की? नहीं, ये बात किया था, एक हफ्ते बाद वापस आया। अच्छा एक हफ्ते बाद, ये शाम में मैं आया तो छत पे ग्रिल पे बैठा हुआ था। अच्छा दिन हैदराबाद वाले कबूतरों में आया था? नहीं, ये हैदराबाद वाले कबूतरों में आया था, पिछली मरतबा परबंदों में आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, तो ये बहुत बिल्कुल सिमटा हुआ बैठा हुआ था, दाना नहीं उठा रहा था दो दिन तक। तो ये बता रहे हैं कि जो है वो ये एक हफ्ते बाद आया है, बड़ा कड़क कबूतर है, और अब देखें उड़ानी इसकी आप अलग बता रही, और है भी बड़ा कबूतर, साइज़दार कबूतर है। अच्छा पपई नर है? सब नर है। अच्छा सब नर है माशाल्लाह। ये वाली मादा है? ये मादी है। ये जो जा रही है तो हो गया आगे, बड़ी अच्छी मादा है ये, देखने को मिल गई मुझे। आ आ ये देखें, देसी कट की ये वाली मादा है, ओरिजिनल जिसे बोलते हैं। रिजवान भाई दाना डालना हल्का सा, कितनी करंट है? ये इनके कुछ घर के पट्टे हैं, ठीक है जी। और एक और चीज़ दिखाऊं मैं रिजवान भाई, एक बड़ी अच्छी अनोखी चीज़ मुझे आज नई देखने को मिली है, वो ये थर्मापोल गर्मी के लिए, ठीक है, ये पूरी थर्मापोल की शीटें ये जाल के ऊपर लग जाएंगी, इससे गर्मी की रुकावट हो जाएगी। ठीक है रख दो ये, अभी हम इनको ज़्यादा तंग भी नहीं कर रहे क्योंकि इनके जो है ना दसवां कली लगी हुई है, तो फटने का ख़तरा है, आप सभी को मालूम ही है। हाँ
इसको भी बहाने पहना थी, वो जो जंगली बच्चा था ये पुराना। हाँ ये तो लड़ रहा था ना पहले, वो बहुत छोटा था। वो दूसरा वाला छोटा वाला। अच्छा वो दूसरा, ये तो नया भी जवान हुआ है। अच्छा ये वो ये रहा। अरे जबरदस्त, जो उधर ही है ये दोनों भाई हैं दोस्तों। हैदराबाद वाले। अच्छा हाँ, ये हो गया बनारसी, हो गए इनमें रंगो रूप पे आ गए अपने माशाल्लाह। इसमें के दो थे ना घाघरे, तीन थे टोटल ये ऐसे घाघरे। तीनों हैं सही। हल्की हल्की हवा में ठंडक आती जा रही है जो कि संकेत दे रही है सीजन अनकरीब है। हाल चप चेक करेंगे वाला, हाँ
ये जरदबंद भी नहीं मिला, ये लंबा सा जो है। आज इनको नान भी डलेगा दोस्तों बना हुआ। वीडियो के साथ बने रहिए, कमेंट करके बताएं क्या देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। I tried so hard and got so